अगर आपके पास बाइक है, आप हमारे चंदौली जिले के अंतर्गत में आते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए यहाँ मुगल सरा में ही आए, क्योंकि ये लोग ठीक काम अच्छा से करके देते हैं, और दूसरी दुकान के चक्कर में पड़े तो भाई आपकी बाइक ऐसी के तैसी कर देंगे। भाई बाइक बनाने की मंडी है मुगल सरा, मैं इस टाइम वहाँ पे हूँ और अपनी बाइक का रिपेयरिंग करा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पता था कि मेरी बाइक में प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। भाई कहीं ना कहीं आपके घर में भी बाइक होगी और बाइक में तो समस्या आती ही है। अगर आप हमारे सहाबगंज क्षेत्र के हैं, भूसी के हैं, भोरसर के हैं, अमाव के हैं या कहीं के भी हैं, हमारे चंदौली क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखो भाई, ऐसा है कि जब भी आपके बाइक में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे सही नहीं कराओ यार। साहबगंज में मैंने अपने बाइक को खुलवा दिया था और पिस्टन मेरे को चेंज कराना था। भाई उस बंदे पे मेरे को इतनी खुन्नस आई थी कि मैं क्या बताऊँ। उसने पहले कहा कि मैं आपके बाइक को सही करके दे दूँगा, फिर उसने जब बाइक मैं गया तो तुरंत खोल दिया। उसके बाद कह रहा है कि हम अपने आपके बाइक में हम अपना सरेंडर डाल देते हैं, जो कि हम बोर करा के पहले से रख रखे हैं। तो मेरे को यार गुस्सा इस बात की आई ना कि यार मेरा गाड़ी अभी नया है, मेरा सरेंडर नया है, और ये पता नहीं कब का किस ज़माने का रखा है, और कह रहा है पेंट करके मैं लगा के दे दूँगा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि तुरंत मेरी बाइक कस और मेरे को नहीं बनवाना है। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कि भाई कस तो मेरी बाइक पहले, तो उसने बाइक में कस दी और मैंने उसको 400 रुपये मजदूरी फालतू का दिया। मतलब ये लगा लो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक दो चार नट खोल दिए थे और मुंह खोल के कह दिया कि मुझे 400 चाहिए। मैंने कहा ले अपना 400 रुपये और ऐसे आइंदा आज के बाद कभी करियो मत किसी के साथ। तो भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मैं मुगल सरा गया था बाइक रिपेयरिंग कराने के लिए, और मैं कुछ बाइक रिपेयरिंग का मैंने कराते टाइम का मैंने वीडियो शूट किया है। इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि ये हमारी बाइक खुली हुई है, जो कि पूरे इंजन का एक एक पार्ट खोल कर रख दिए हैं, और हमारा पिस्टन देख रहे हैं इसी में हमारा क्लीन होना था। और इसको भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरी मंडी है, जैसे यानी सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो हर सब्जी मिलती है, तो वैसे यहाँ पे मंडी है। आप यहाँ पे अगर कुछ भी काम कराते हैं, आपके बाइक का A to Z देख रहे हैं ना, अभी हमने क्लीन एकदम बोर में इसी यही पे ये जो है इसके अंदर पिस्टन है और इसमें सरेंडर में बोर हुआ होता है, और हमने यहाँ पे सब कुछ भाई ने करके दिया और मस्त एकदम काम करके दिया। दिल खुश हो गया भाई, पैसे तो थोड़ा लगा लेकिन काम बेटर हुआ यार, इतना अच्छा काम हुआ कि भाई बता नहीं सकते, मस्त मज़ा आ गया। क्योंकि मैं पहली बार काम कराने गया था, हमारे पापा गए थे एक बार काम कराने के लिए, लेकिन पापा को बताए थे कि पापा आप ही चले जाओ, तो पापा बोले कि नहीं आप इस बार जाओ, तो हमने आया था। देख रहे ना, ये हमारी खुद की बाइक है और पूरे एक एक चीज़ मतलब खोल के अब फिर से बहुत सारे इसमें नए नए पार्ट्स डाले हैं, और जो कि कुछ पार्ट्स जो है वो बहुत जेन्युइन पार्ट्स हैं, और हमने खुद अपने उन्होंने कहा कि देखो भैया हम लोकल नहीं डालते हैं, और लोकल उन्होंने कहा कि कैसे पता करना है, तो हमें स्कैन करके दिखाए कि हमें ऐसे लोकल अगर जो होता है वो स्कैन नहीं होता है और साइड नहीं खुलता है, तो सब कुछ बाकायदा बता कर दिए। और भाई काम करा के बहुत अच्छा लगा इस भाई के पास। आप लोगों के पास भी अगर इस भाई के पास करवाना है काम, तो जा सकते हैं, काम करा सकते हैं, मुगल सरा अवतार एजेंसी के साइड में ही है भाई। यहाँ से पूरा काम एकदम मस्त होता है, एक बार अगर आप यहाँ पे काम करवा लिए अपना ना भाई, फिर किसी जगह काम कराने का ना आपका इच्छा ही नहीं करेगा। आप एक बार यहाँ पे काम ज़रूर कराइएगा। देखो भैया, इसका मुझे पैसे नहीं मिला है कोई भी, सिर्फ मैं आप लोगों को नॉलेज में अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप कराएँ काम। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। भाई इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अगर हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, आपके पास अगर बाइक है, तो भाई आप जाइए मुगल सरा में बाइक ठीक कराइए, वहाँ पे जेन्युइन काम होते हैं, थोड़ा पैसे लगता है लेकिन भाई काम सही होता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जो कास्ट्रॉल का मोबिल आता है वो करीब 380 रुपये का, 400 रुपये का ऐसे आता है, और वही मोबिल ये जो लोकल जो दुकान वाले हैं ना, वही मोबिल ये लगा लो कि 150-170 रुपया का रख लेते हैं, और वही मोबिल आपको पता है कितने में देते हैं? सीधा सीधा मतलब 350-400 ऐसे में देते हैं।
तो ये चक्कर है इन लोगों का, और आपके बाइक की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो हम भी इन्हीं के चक्करों में पड़े हुए थे। खैर अब समझ में आ गया कि कहाँ पे बाइक रिपेयरिंग कराना है। हमारी बाइक को एकदम बिल्कुल ठीक करके दे दिया है और ऐसा चलाने में लग रहा है कि पूरा एकदम नई है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं, सेल्फ मारता हूँ स्टार्ट हो जाता हूँ। बैटरी जो मैंने लिया है 2 साल का वारंटी गारंटी है, 2 साल की वारंटी है। तो ये चीज़ है भाई, जेन्युइन काम होता है। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरा काम है वीडियो बनाना और आप सभी लोगों को कुछ बताना। बाकी आपकी इच्छा, आप इधर के हैं, अगर आपके पास बाइक है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यहाँ इन चक्करों में पड़ो ना, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी की कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। और ये पता है 1 घंटे के अंदर में ना आपकी बाइक की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।